गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग अमाउंट्स। ये आपको कुछ अमाउंट्स दिए हुए हैं जो कि आपको रुपीज़ और पैसों में दिए हुए हैं, ठीक है, जिसके टोटल 8 क्वेश्चंस हैं। ये आपको अपनी बुक में ही सॉल्व करने हैं। ओके, मैं आपको एक दो क्वेश्चन समझा देती हूँ, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये सारे सॉल्व करने हैं। फर्स्ट देखिए, सबसे पहले जब भी हम प्लस या माइनस को सॉल्व करते हैं तो हम राइट साइड से सॉल्व करते हैं। तो 5 और प्लस 6 होता है 11, 11 का 1 और कैरी 1। ओके, 5 प्लस 2 होता है 7, 7 और 1 8। 0 को जब हम 2 से प्लस करते हैं तो आंसर आता है 2। हम किसी भी नंबर को 0 से प्लस करते हैं तो आंसर वही नंबर दोबारा आ जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हम 0 को 5 से प्लस करें तो 5 आएगा, अगर 0 को 8 से प्लस करेंगे तो 8 आएगा। ओके, नेक्स्ट है 3 प्लस 2। 3 को जब हम 2 से प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 5। तो ये हमारा फाइनल आंसर है ए का, जो कि होगा 32 रुपीज़ एंड 81 पैसे। समझ में आया सबको? इसी तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। मैं एक क्वेश्चन और समझा देती हूँ आपको, डी वाला, ठीक है। डी में भी आपको रुपीज़ और पैसे को सॉल्व करना है, और मैंने अभी बताया था इस कि इनको प्लस करना है और राइट साइड से करना है, ठीक है, राइट हैंड साइड से। तो 5 प्लस 6 होता है 11, 11 का 1 कैरी 1। कैरी वाले क्वेश्चंस आते हैं आप सबको। जब 2 और 5 को हम प्लस करते हैं तो आंसर आता है हमारा 7, और ऊपर 1 कैरी है तो 7 और 1 हो जाएगा हमारा 8, करेक्ट। नेक्स्ट है 3 और 7। 3 और 7 को जब हम प्लस करते हैं तो आंसर आता है हमारा 10। कितना आता है? 10। 10 का 1s नीचे आता है और 10s प्लेस पर कैरी आ जाता है, ठीक है। तो 0 और 1 कैरी, ठीक है। 3 प्लस 3, 3 को 3 से प्लस करेंगे तो आएगा 6, 6 और कैरी 1 हो गया 7। ओके, यानी कि हमारा डी का आंसर आ गया 70 रुपीज़ एंड 81 पैसे। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अपनी बुक में, नीट एंड क्लीन एंड सुंदर हैंडराइटिंग में। ओके, आप सबको समझ में आ गया? थैंक यू।